नमस्कार साथियों, दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कि दोस्तों खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस सॉरी अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में। तो गाइस, किसी ने सोचा था क्या कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी? यार देखो, यही होता है, ठीक है। ये क्रिकेट है महान अनिश्चितताओं का एक खेल, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखो, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, बांग्लादेश को हराया, कितनी बड़ी बड़ी टीमों को दोस्तों डिफेंड करके हरा के ये दोस्तों सेमीफाइनल में टीम पहुंची है। तो हम इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और साउथ अफ्रीका की तो वैसे ही किस्मत खराब है, सेमीफाइनल में दोस्तों वो हार जाती है। लगभग 80% दोस्तों साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में हार जाती है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि इसके लिए हमको टीम कैसे बनानी है, ठीक है। तो आपको दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना है, मैं आपको इस वीडियो में अपने 6 ग्रैंड लीग की टीम बना के बताऊंगा। और दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको ये नहीं सोचना है क्विंटन डी कॉक है, रेजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम है, या फिर इस्ता रहमतुल्लाह गुरबाज है, इब्राहिम जदरान है, अजमतुल्लाह ओमजई है, गुलबदन। आपको बिल्कुल भूल जाना है। आपको मैं जो 6 कॉम्बिनेशन बनाकर बताऊंगा, आपको उन कॉम्बिनेशन पे काम करना है, उन कॉम्बिनेशन पे दोस्तों आपको रहना है रेडी, ठीक है। और उन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, क्योंकि दोस्तों एक टीम के साथ तो आप ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते। कम से कम 6 टीमें आपको लगानी पड़ेंगी। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको हमारी जो है फ्री की टीमें मिली, फ्री की टीमें, मैच प्रेडिक्शंस के वीडियो, और भी दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रहते हैं वो सब आपको हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों फटाफट से टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ से मैं दोस्तों आपको बता दूँ, सबसे पहले हमको थोड़ी सी पिच रिपोर्ट देखनी है। तो बॉलिंग फ्रेंडली ट्रैक है, 99 का दोस्तों यहाँ का एवरेज है इस ग्राउंड का। तिरनार में मैच खेला जाएगा, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम तिरनार में, 99 रनों का स्कोर है, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलेंगे, 99 रनों का स्कोर है तो हम मान के चलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 100 बन जाएंगे, 130 बन जाएंगे, ठीक है। तो विकेट तो हर कंडीशन में गिरेंगे गिरेंगे भाई, ठीक है। तो अपन को ना उस हिसाब से टीम बनानी है कि अपने पास बॉलर भी हो, बैटर भी हो, क्वालिटी बैट्समैन अपने को रखना है। क्वालिटी बैट्समैन ध्यान रखना, क्वालिटी बैट्समैन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो गाइज हम कुछ रिसेंटली मैच देख लेते हैं। सबसे पहले पहले आपको दोस्तों बिनिंग दिखा दूं मैं कि भैया हमारी जो कुछ बिनिंग है रिसेंटली, बिनिंग कुछ कैसी है। तो ये देखो भाई, कल देखो यहाँ पे कल ये देखो, ये कल बिनिंग हुई है ना, कल डे की बिनिंग है, टीम दी थी देखो आपको, तो दबा के बिनिंग हो रही है भाई, कोई डाउट नहीं है। जिन जिन भाइयों को दबा कर बिनिंग करनी है फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों उसके अलावा वीडियो जो भाई देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। गाइस अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो गई हमारे चैनल की बात। अब दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्ट ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम का थोड़ा सा प्रीव्यू कर लें कि दोस्तों इस ग्राउंड पर एक्चुअली होता क्या है। तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर तीन मैच जो खेले गए हैं लास्ट, वो मैं आपको रिसेंटली दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, अभी शेड्यूल देख लो आप, शेड्यूल साइड में स्क्रीन चल रही है मेरी, वहाँ पर आप देख लेना। दोस्तों देखो तिरनार में रिसेंटली बता देता हूँ कौन सा मैच खेला गया था। दोस्तों तिरनार में अभी इस वीक तो कोई मैच नहीं, लेकिन हाँ ये मैच खेला गया था। देखो इसमें आप साइड मैच की चल रही, यहाँ पे देख भी सकते हो, पीएनजी वर्सेस न्यूजीलैंड। देखो 78 रन बने थे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था 99 का स्कोर, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 120 या 130 आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर से आप देख लो, तिरनार में मैच खेला गया था, 40 रन पे ऑल टीम हो गई थी, है ना। और उसके बाद फिर से एक तिरनार में मैच खेला गया था, 95 रन बनाए थे पीएनजी ने, और अफगानिस्तान को 95 रन चेस करने के लिए पूरे 15 ओवर लगे थे। तो गाइस मैं कहीं ना कहीं सही हूँ अपने अपनी बात पर। और अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये मैच है, तो आपको क्या करना है, पेसर्स को भी डोमिनेट करना है, स्पिनर्स को भी डोमिनेट करना है, आप लोगों को सब कुछ चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करनी है, तब जाके आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो, ठीक है। तो हम सिंपल सा करेंगे कि हमने पिच रिपोर्ट देख ली है, पिच रिपोर्ट कैसी है, हमने रिसेंटली मैचेस देख ली हैं। दोस्तों देखो यार, एक घंटे की वीडियो में बनाता नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, पीछे स्टैट्स लगा के कि रोहित शर्मा ने क्या किया था, विराट कोहली ने 2018, भाई उससे हम मतलब नहीं है।
रोहित शर्मा करंट में क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों ने बोला था रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं, उसको लेना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अभी थर्ड मैच में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया में मैंने रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया था, ट्रेविस हेड मेरा बायस कैप्टन था, ठीक है। जिन जिन भाइयों को डाउट है जाकर देख लो टेलीग्राम पर कि मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, रोहित शर्मा ने क्या करा था आपको पता ही है, कितनी फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी मारी, उसके बाद 80-90 रन तक गया, ट्रेविस हेड ने भी 70-80 रन मारे, तो गाइस ये इसको प्रेडिक्शन बोलते हैं ना। अब आप यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे दोस्तों डाइट, अब आपको मैं टीम में बताऊंगा टीम में कैसे बनानी है आपको, है ना। तो क्रिएट न्यू पर आप जाएंगे, ठीक है, क्रिएट न्यू पर जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बिगड़ कीपर सेक्शन से क्विंटन डिक को छोड़ देना है। क्विंटन डिक को यहाँ पे मुझे नहीं लगता चलेगा, ठीक है। रहमान अग्रवाल पर ले लेना, क्लासन को ले लेना, रहमान अग्रवाल को लेना जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान का मेन बल्लेबाज वही है। क्विंटन डिक तो दोस्तों खेलता है आके सीधे मारता है, उसको कोई मतलब नहीं। रहमान अग्रवाल थोड़ा समझ के खेलता है, क्वालिटी बल्लेबाज है, ठीक है। आप चाहें तो क्विंटन डिक को भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। इधर से दोस्तों मैं डेविड मिलर को लूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हमको यहाँ पर दोस्तों क्वालिटी बल्लेबाज चाहिए। अगर नजीबुल्ला जदान खेलता है तो मैं नजीबुल्ला जदान को पिक कर लूँगा, अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए इसको मैं ड्रॉप कर रखा है। मैंने बैटिंग सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ डेविड मिलर को पिक किया है। ऑलराउंडर सेक्शन से दोस्तों मैं एडन मार्करम को पिक करूँगा, गुलबदीन नायक के साथ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से किसी और को लेने की आवश्यकता है, ठीक है। आप मोहम्मद नाबी और मार्को जेनसन के साथ भी जा सकते हैं, वैसे मैं भी जाऊंगा इनके साथ, बट मुझे फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है। अब बॉलिंग सेक्शन से आप देख लो, राशिद खान को मैं लूंगा ही लूंगा। यहाँ से दोस्तों केशव तबरेज़ शाम से केशव महाराज को आप ले लेना, फजल फारूकी को ले लेना बस। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी टीम बनेगी और स्पिनर्स को ही विकेट मिलेंगे इस मैच में। देखो स्पिनर्स को विकेट यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं केशव महाराज की जगह किसी और पेसर्स को भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लेना है क्योंकि मैंने मार्को जेनसन को यहाँ पे ले रखा है। तो मार्को जेनसन यहाँ पे गारंटी से क्विंटन डिक को आउट कर देगा, ठीक है। तो क्विंटन डिक बोलो सॉरी, यहाँ पे किसी और जो इनके रहेंगे ओपनिंग रेजा हेंड्रिक्स हो गया है ना, इनको आउट कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फजल फारूकी को ले रखा है, तो फजल फारूकी को यहाँ पे क्विंटन डिक को निपटा देगा और यहाँ पे एक आध दो प्लेयर्स को और निपटा देगा। तो यहाँ पे ये खेलेंगे, ठीक है। ऐसा हमारा मानना है और दोस्तों लगभग 90% चांसेस है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप ग्रैंड लीग कभी नहीं जीत पाओगे। आपको क्वालिटी बेस्ट में लेना है। देखो पिच रिपोर्ट आपने देख ली है, क्वालिटी बेस्ट मैन आपने पिक कर रखे हैं। आप खुद बताइए हेनरी क्लासन से क्या कोई बड़ा क्वालिटी बेस्ट मैन है क्या अभी साउथ अफ्रीका के पास? नहीं है ना। मोहम्मद नाबी और रहमतुल्लाह गुरबाज से बड़ा कोई क्वालिटी बेस्ट मैन है? नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिलेंगे तो मैंने स्पिनर्स को ले रखा है, पेसर्स को विकेट मिलेंगे तो मैंने पेसर्स को भी ले रखा है। यहाँ पे भी मैंने स्पिनर्स ले रखे हैं, पेसर्स ले रखे हैं। भाई क्या कमी है बताओ टीम में? कोई कमी नहीं है यार। थोड़ा सा अगर हमारा लग सही रहा तो ये टीम भी आपकी सिर्फ 49 रुपये लगाकर आपको 1 करोड़ जिता सकती है। बाकी 6 की 6 टीमें आपको कैसे बनाना देख लो। यहाँ पे मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, एक टीम हमारी ये बन गई है, ठीक है। दूसरी टीम में मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं मार्को जेनसन के को हटा के यहाँ पे मैं आंद्रेज नॉर्टिया को पिक कर लूँगा, ठीक है। तो हमारी टीम नंबर 2 हो जाएगी। फिर तीसरी टीम में मैं क्या करूँगा, आंद्रेज नॉर्टिया को और हटा के यहाँ पे मैं कशिक रबादा को पिक कर लूँगा, ठीक है। ये हमारी टीम नंबर 3 हो जाएगी। अब टीम नंबर 4 में मैं क्या करूँगा, कशिक रबादा को यहाँ से रिमूव करूँगा और यहाँ एक बैटर्स को सेट करूँगा किसी को, ठीक है। तो टीम नंबर हमारी 4 हो गई। अब टीम नंबर 5 में मैं क्या करूँगा, 5 में दोस्तों मैं गुरबाज को हटा के रिमूव करके यहाँ पे एक बॉलर बढ़ा लूँगा, यहाँ पे मैं नवीन नरक को पिक कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद छठवीं टीम मैं कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं राशिद खान को कैप्टन, तबरेज़ शामसी को वाइस कैप्टन, मतलब एक आध टीम में मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रिवाइज करूँगा। बाकी दोस्तों डिफॉल्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप देख लीजिए, मेरा डिफॉल्ट कैप्टन राशिद खान रहने वाला है और डिफॉल्ट कैप्टन दोस्तों तबरेज़ शामसी रहने वाला है इस मैच के लिए। सभी टीमों में मेरा एक कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं दोनों। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि आप लोग अगर जाना चाहें तो अदरवाइज आप डेविड मिलर हेनरिक क्लासन के साथ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।